टोडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेरी क्योरी वाज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज एंड शी है रेसिपियंट नोबल प्राइज इन फिजिस्ट मेरी स्कॉलडोस का क्योरी पॉलिश फ्रेंच फिजिस्ट एंड केमिस्ट वाज द फर्स्ट वूमेंट टू रिसीव अ नोबल प्राइज़ ये वो पहली औरत थी मेरी क्योरी जिसने फिजिस्ट में नोबल प्राइज हासिल किया था एंड द ओनली एमेंट टू रिसीव टू नोबल प्राइज़ ये पहली औरत थी जिसने दो नोबल प्राइज हासिल किए थे वाइल स्टैंडिंग यूनानियस रेज यूनानियस रेज पढ़ने के दौरान जब ये पढ़ रही थी शी डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट इसने एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर किया था एंड नेम्ड दैम पोलोनीम एंड रेडियम उसके नाम थे पोलोनियम एंड रेडियम ये एलिमेंट्स थे शी आल्सो क्वाइंट द टर्म रेडियो एक्टिविटी इसने रेडियो एक्टिविटी पर भी काम किया टू तो डिस्क्राइब दम और उसको डिस्क्राइब किया उसको वाजे करके बताया इन नाइनटीन हंड्रेड थ्री नाइन्टी थ्री में क्यूरी वन द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स क्यूरी ने फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल किया फॉर रिसर्च अपने रिसर्च पर ऑफ रेडिएशन फिनना रेडिएशन की फिनना रेडिएशन कहाँ से होती है रेडिएशन कहाँ से शुरू होती है इसने इसका फिनना बताया तो इसे नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बाद शी वॉज आल्सो द फर्स्ट वुमेन इन फ्रांस ये पहली औरत थी फ़्रांस में टू अटेन अ पी एच डी जिसने पी एच डी की इन फिजिक्स फिजिक्स में एंड द फर्स्ट वुमेन टू टीच एट अ सोरबोनी सोरबोनी में जिसने पढ़ाया ये पहली औरत है इन नाइनटीन हंड्रेड एलेवन शी वन अ सेकेंड नोबल प्राइज़ पहला इसने फिजिक्स में किया हासिल और दूसरा इसने नौ सौ ग्यारह में किया पहला कब किया था वो मैंने आपको पहले बता दिया अब दूसरा बता रहा हूँ पहला नौ सौ में किया दूसरा नौ में किया तो शिवन अ सेकेंड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम सेकेंड जो इसे प्राइज़ मिला नोबेल प्राइज़ मिला वो किस पे मिला वो मिला इसे पोलोनियम डिस्कवर करने पे एंड रेडियो uh, रेडियम ज्यूरिंग वर्ल्ड वार वन शी स्टेब्लिस्ड ज्यूरिंग वर्ल्ड वार जब पहली लगी थी नोबेल रेडियोलॉजी यूनिट हेल्प कंट्रोल्स डॉक्टर्स ट्रीट ओवर अ मिलियन वॉन्टेड सोल्जर्स क्यूरिज पॉइंटरिंग वर्क एंड रेडियश लीड टू न्यू कैंसर ट्रीटमेंट्स तो इसने न्यू कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए जो एलिमेंट ईजाद किया उस पर भी इसे केमिस्ट्री में एवॉर्ड मिला था यानी ये मेरी क्यूरी जो पहली औरत है फ्रांस की जिसे दो नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं नाम नोट कर लीजिए आपके काम आएगा तो नोबेल नोबेल क्या था नोबेल प्राइज़ है ख़ुद क्या थोड़ा सा मैं वीडियो लंबी ना हो फिर भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर नोबेल प्राइज़ नोबेल एक बंदे का नाम था जिसने डायनामिक ईजाद किया इन्वेंशन ऑफ डाइनामिक उसने की थी तो उसे जब उसने ये ईजाद किया उसके बाद थोड़ा सा बीमार हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नोबल यानी मौत का जो पुजारी है वो मर चुका है लोगों ने कह दिया उसके कारण तक जब ये बात पहुंची तो उसने कहा ये तो मेरा नाम तारीख में लिखा करोनोलॉजी अगर कोई लिखेगा करोलॉजिकल जो भी लिखेगा वो मेरा नाम गलत ही लिखेगा यानी तारीख मुझ पर रोएगी तो मैं ये नहीं चाहता तो उसने ये नोबेल प्राइज़ सबके सामने आ, क्या कहें हम जो लाया लाने के बाद क्या हुआ जब भी कोई भी ऐसा बड़ा कारनामा करता जैसे ये पेरी ने किया तो उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया उसने बहुत सारी अपनी मिल्कियत इसी में खर्च कर दी कि उसका नाम हो तो अपने नाम के लिए अब उसका नाम अच्छे अक्षरों में लिखा जाता है क्रोनोलॉजिकल अगर कोई भी अगर स्टोरी लिखेगा अब तो इसका नाम अच्छे अक्षरों में ही लिखेगा